क्वेश्चन नंबर 17, आई इक्वल टू एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो इसमें एक्स प्लस टू को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन अलग कर दिए, प्लस टू को बाहर रख दिए, वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, इस तरह से हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने टी मान लिया, तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, इटमीन्स एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई टू। अब इसमें वन बाई टू बाहर, ये डी टी बाई रूट टी, वन बाई रूट टी का हमने अभी अभी फाइंड किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, आया था टू रूट टी प्लस सी, टू टू कैंसिल, रूट टी को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ठीक है। इसको जैसे ये आई वन मान लो, तो ये आई वन का वैल्यू आ गया। अब इसको आई टू मान लेते हैं, टू वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको वन स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये फोर्थ नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें, तो टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। अब आई वन और आई टू को प्लस कर देंगे तो ये आई का वैल्यू आ जाएगा, आई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये दोनों सी मिल के, या इसको सी वन और इसको सी टू ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा सी।